हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है संदीप लाइव व्लॉग्स में। करीब 3 बज गया है। तो मैंने कल 2 वीडियो अपलोड करी थी, आपने उससे बहुत प्यार दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतना प्यार दिया। और जैसे कि मैंने उस वीडियो पे थोड़ा सा हल्का हल्का इंडिकेशन आपको दे दिया था कि मैंने एक टाइम फ्रेम मैंने बना लिया था टोटल। और तो बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे नज़दीकी लोग हैं, वो लोग कमेंट करके पूछते कि अपना स्टडी टेबल वगैरह बढ़िया से तुम दिखाया नहीं और वीडियो बना दिए। तो आज है कि वो स्टडी टेबल मैं अपना दिखाना चाहता हूँ। तो ये है मेरा स्टडी टेबल। और यहाँ एक पेंसिल हमेशा रखता हूँ और एक पेपर रखता हूँ नोट्स के लिए, इस तरह का नोट्स के लिए वो हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ। मतलब मेरा अगर लक्ष्मीकांत का अगर बुक देखिएगा तो पिछले 3 साल से जो पढ़ रहा हूँ, कहीं आपको मार्किंग नहीं मिलेगा जी किताब में ना, कहीं आपको मार्किंग नहीं मिलेगा। बस मार्किंग मिलेगा तो वो पेंसिल से मैं टिक कर देता हूँ बस। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो मेरे किताब सब हैं, NCERT वगैरह और स्टैंडर्ड बुक, सारे किताब यहाँ हैं। और ये सब किताब पिछले 3 साल से ऐसे ही इसी में सेल्फ में मैंने इसको रखा है, लेकिन हर महीने इसको अच्छी तरह से मैं साफ करके रखता था। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे छोड़ दिए, लेकिन और अपने बेड, मेरा जो ये बेड है, मेरे बेड के जस्ट ऑपोजिट में ये चीज़ है। तो हर दिन हर पल ये चीज़ मैं देखता था। और उसके बाद में फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अटेम्प्ट एक बार देना चाहिए। और तो ये व्लॉगिंग का मकसद है कि अपना भी लाइफ आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा घर का। तो आप देख ही रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं है व्लॉगिंग में, वही व्लॉगिंग है। और प्लस वो जो ड्रीम और फर्स्ट लव कहीं मैंने पीछे छोड़ दिया था, उसको मुझे फिर से लेके चलना है। एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर लेके चलना है। और तो आपका व्लॉग में क्या होगा कि हर दिन टॉपिक मैंने पूरा करी, वो सब टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को अपलोड कर दिया करूँगा वीडियो। और रात के 8 बजे या 8:30 बजे के तरफ मैं इसको पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, या तो अगर टाइम का मुझे बता दीजिएगा उस हिसाब से मैं इसको पोस्ट करूँगा। और इस व्लॉग का उद्देश्य बस ये है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं, मैं यहाँ सिर्फ UPSC वाले को नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी एस्पिरेंट हैं, अगर आपने सोचा है, आपने ड्रीम करी है, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, और मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इससे मैं डायरेक्टली बताऊँ तो मेरा 2 फायदा है। एक फायदा है कि मैं कहीं से कोई कोचिंग वगैरह नहीं ले रहा हूँ, सब कुछ मैं घर पे कर रहा हूँ। और आप लोगों का गाइडेंस, सपोर्ट, कमेंट्स में जो भी आएगा उसको मैं नोट करूँगा। और दूसरा फायदा ये है कि इस व्लॉग के माध्यम से अगर मेरा कुछ यूट्यूब से अर्निंग अगर हो जाता है, तो मुझे ज़रूरत है काफ़ी ये सब चीज़ों की, थोड़ा सा ज़रूरत है मुझे, क्योंकि स्थिति हम लोगों का वैसा नहीं है कि मैं व्लॉग को छोड़ के डायरेक्ट पढ़ाई कर पाऊँ। करने का इच्छा तो है, बट उस तरह का मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस व्लॉग को एक इंस्पायरिंग व्लॉग लेके चलेंगे और 17 मंथ तक लगातार हर दिन एक मुहिम हम लोग शुरू करते हैं कि जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, इस व्लॉग को देख के आप लोग भी इंस्पायर होइए। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग उसको टाइम टेबल बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या पढ़ना है आज, कल क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ आपको कीजिए। तब बहुत मज़ा आने वाला है हम सबको। जो मैंने गलतियां करी थी, मिस्टेक जो करी थी, वो सब मिस्टेक इस बार नहीं करने वाला। इस बार मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ जो मैंने पहले छोड़ दिया था। जैसे कि नंबर 1 में UPSC आपको एक सिलेबस देती है। हम लोग क्या करते थे, सिलेबस डाउनलोड किए, एक बार देखे बस हो गया, और न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लगे। ऐसा तो बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता है। आपको UPSC अगर सिलेबस दी है तो उस सिलेबस को आपको बढ़िया से पढ़ना है, वही आपका सबसे बड़ा अस्त्र हो गया वो। और नंबर 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जितना बार उसको देखेंगे, उतना बार आप समझेंगे कि वो
किस लेवल पे आपको सवाल यूपीएससी पूछ रही है। उसके बाद मैंने एक चीज पास्ट एग्जाम में क्या मिस्टेक करी थी, जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का होता था, मैं कभी उस पर ज्यादा एनालाइज नहीं करता था। लेकिन 2022 का जो पेपर था, मैं कल रात को उसको एनालाइज कर रहा था, तो जो भी सवाल यूपीएससी पूछे थे वो कीवर्ड सब जो है, वो सब कीवर्ड कहीं ना कहीं न्यूज़ में फ्यूचर हुआ है। मैंने कीवर्ड ऐसे सर्च किया गूगल पे और उसको टूल के मदद से एक साल पहले का कर दिया, मतलब 2022 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, तो 2021 में मैंने देखा कि वो सब न्यूज़ है कि नहीं है। मैं तो ये देख के हैरान हो गया कि 2022 का जो जून का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, इसका क्या था कि फरवरी मार्च अप्रैल और मई तक का भी कुछ ना कुछ सवाल उठाया गया था। तो यहाँ हम लोगों को एक चीज़ समझना है कि जो भी चीज़ कोई भी न्यूज़पेपर में अगर आ रहा है, वो टर्म आ रहा है, उसको आपको बस एक स्टेप आगे करना है, उसको सर्च कर लेना है, बस एक स्टेप आगे। आप अगर अगर आप सोचिएगा तो क्या होगा कि आपको इतना सॉलिड आपको मिलेगा नोट्स ना, तो मैं इतना तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और रहा सवाल मेंस का, क्या होता है कि मेंस में जो भी सिलेबस है, जो टॉपिक वाइज है, तो न्यूज़ में तो आते रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर लेना है, उसके बाद में उस टॉपिक वाइज में आपको जो भी न्यूज़ मटेरियल उठा रहा है, अगर कोई डेफिनेशन वाला है तो डेफिनेशन लिख लीजिए, और एग्जाम्पल के लिए करंट करंट में एग्जाम्पल देते रहिए। तो कुछ इस तरह से मैं अपना जर्नी 2024 मिशन मोड में हूँ, और आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो मैंने लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट का मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आज मैं फिर से इस तरह का व्लॉगिंग करूंगा, और ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं डेली एक व्लॉग रखूंगा। बस आप टाइम मुझे बता दीजिएगा कि कौन से टाइम में व्लॉग अपलोड करना है, और इस व्लॉग का उद्देश्य बस एक है कि आप सबको मुझे मोटिवेट करना है। हाँ, यस, आप सभी को मुझे मोटिवेट करना है। आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिएगा कि रिजल्ट कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, बट मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिएगा, और जहाँ मैं गलती करूँगा ऐसे गाइडर, ऐसे मेंटर, ऐसे बिग ब्रदर, आप लोग ज़रूर से कमेंट करना कि आप यहाँ स्टडी में आपका यहाँ थोड़ा सा गलती हो रहा है, आप इसको ठीक कीजिए, तो मैं वो सब अप्लाई करूँगा। और जो भी नए एस्पिरेंट है और इसको देख के आप लोग भी थोड़ा सा इंस्पायर अगर हो जाते हैं, तो इस व्लॉग का उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस व्लॉग को मैं आने वाले प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक लेके जाऊँगा। अभी तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा यही है कि 2024 जो फॉर्म फिलअप होगी उसमें इसका फाइनल रूप तक मैं इसको लेके जाऊंगा। आज मुझे ऐसे आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आपके सामने एक अधिकारी हो। जय हिंद, जय भारत।